16 सोमवार की व्रत कथा। मृत्युलोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ मृत्युलोक में पधारे। भ्रमण करते करते दोनों विदर्भ देशांतर्गत अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुंचे। अमरावती नगरी अमरापुरी के सदृश सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहां के महाराज द्वारा बनवाया हुआ अति रमणीक शिवजी का मंदिर भी था। भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ उस मंदिर में निवास करने लगे। भक्तों, एक समय माता पार्वती भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न देख मनोविनोद करने की इच्छा से बोली, हे महाराज, आज तो हम दोनों चौसर खेलेंगे। शिवजी ने प्राण प्रिया की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने आया। माता पार्वती ने पुजारी से प्रश्न किया, पुजारी जी, बताओ इस बाजी में हम दोनों में से किसकी जीत होगी। ब्राह्मण बिना विचारे शीघ्रता से बोला कि महादेव जी की। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की विजय हुई। पार्वती जी बहुत क्रोधित हुई और ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने को उद्यत हुई। भोलेनाथ ने माता पार्वती को बहुत समझाया, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे ही दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के श्रापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। वो अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। पुजारी को श्राप कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन हो गए, तब एक दिन देवलोक की अप्सरा शिव जी की पूजा हेतु उसी मंदिर में पधारी। पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देख उसने बड़े दया भाव से उससे रोगी होने का कारण पूछा। पुजारी ने निसंकोच सारी बात उन्हें बता दी। वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना, भगवान शिव तुम्हारे कष्ट को दूर कर देंगे। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ षोडश सोमवार का व्रत भक्ति भाव से किया करो। पुजारी ने अप्सरा से विनम्र भाव से षोडश सोमवार व्रत की विधि पूछी। अप्सरा ने बताया, सोमवार को भक्ति के साथ व्रत करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, संध्या व उपासना के बाद आधा सिर गेहूं का आटा लें, उसके तीन अंग बनाएं और घी गुड़ दीप नैवेद्य पुंगी फल बेलपत्र जनेऊ जोड़ा चंदन अक्षत पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि से पूजन करें। तत्पश्चात तीन अंगों में से एक शिवजी को अर्पण करें, बाकी दो को शिवजी का प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट दें और आप भी प्रसाद पाएं। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। 17वें सोमवार को पाव सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाए, उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाए, भगवान भोलेनाथ को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांटे। इसके बाद कुटुंब सहित प्रसाद ले तो शिवजी की कृपा से उसकी सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। भक्तों, ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने यथाविधि षोडश सोमवार व्रत किया
तथा भगवान शिव की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद शिवजी और पार्वती फिर उस मंदिर में पधारे। ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई। पार्वती जी अति प्रसन्न हो ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर स्वयं व्रत करने को तैयार हो गई। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई तथा उनके रूठे पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी को अपना ये विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई। वे माता से बोले, हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ? पार्वती जी ने वही षोडश सोमवार व्रत की कथा उनको सुनाई। कार्तिकेय जी ने कहा, इस व्रत को मैं भी करूंगा क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से परदेश गया है, मेरी उससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो वो बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई। उसने कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वो किसी कार्यवश विदेश गया तो वहां के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार श्रृंगारित हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिवजी की कृपा से वो ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक और बैठ गया। नियमित समय पर हथनी आई। उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से अपनी कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया। ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राज्य कन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया था जिसके प्रभाव से हथनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया? ब्राह्मण बोला, हे प्राणप्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथनानुसार 16 सोमवार का व्रत किया था जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी स्वरूपवान पत्नी की प्राप्ति हुई है। व्रत की महिमा सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो भी पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर सुशील धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस देव पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन भली प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन उसने अपनी माता से प्रश्न किया कि हे माँ, तुमने कौन सा व्रत एवं तप किया है जो मेरे जैसा पुत्र तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ है? माता ने 16 सोमवार व्रत की कथा पुत्र को बताई। पुत्र ने सब तरह के मनोरथ पूर्ण करने वाले सरल व्रत को सुना
तो वो भी राज्याधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथा विधि ये व्रत करने लगा। व्रत शुरू होने के बाद एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। भक्तों, वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने पर इसी ब्राह्मण युवक को सिंहासन पर बैठाया गया। क्योंकि दिवंगत राजा के कोई पुत्र नहीं था, राज्य का उत्तराधिकारी होकर भी वो ब्राह्मण पुत्र 16 सोमवार का व्रत करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्र पुत्र ने अपनी प्रियतमा से पूजन सामग्री लेकर शिव पूजा के लिए शिवालय में चलने को कहा, परंतु उसकी पत्नी ने उसकी आज्ञा की परवाह न की। दास दासियों द्वारा सब सामग्रियां शिवालय भिजवा दी गई, परंतु आप नहीं गई। जब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया तब आकाशवाणी हुई, हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो ये तेरा सर्वनाश कर देगी। आकाशवाणी सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने मंत्रणा गृह में आकर अपने सभासदों को बुलाकर पूछा कि हे मंत्रियों, मुझे आज शिव जी की आकाशवाणी हुई है कि राजा तू अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो ये तेरा सर्वनाश कर देगी। राज्य में मंत्री तथा सभासद आदि सब विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण राज्य मिला है राजा उसी को निकालने का जाल रच रहा है, ये कैसे हो सकेगा। भक्तों, राजा ने अपनी पत्नी को राजमहल से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर चली गई। बिना पद त्राण फटे वस्त्र पहने भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर वो एक ग्राम में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काटकर बेचने जाती थी। रानी की करुण दशा देखकर बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूं, भाव नहीं जानती हूं। ये बात सुन रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतारकर अपने सर पर रख ली। भक्तों, थोड़ी देर बाद आंधी आई और बुढ़िया का सूत पोटली सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने से दूर रहने को कहा। इसके बाद रानी एक तेली के घर गई तो शिवजी के प्रकोप के कारण तेली के सब मटके उसी क्षण चटक गए। तेली ने भी रानी को अपने घर से निकाल दिया। अत्यंत दुख पाती हुई रानी एक नदी के तट पर गई तो नदी का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई, वहां सरोवर में पानी पीने गई। उसके हाथ का स्पर्श होते ही सरोवर का नील कमल के समान जल असंख्य कीड़ामय होकर गंदा हो गया। रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल को पीकर पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा, परंतु रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते तत्काल टूटकर गिर जाते। भक्तों, वन सरोवर जल की ऐसी दशा देख
गऊ चराते ग्वालों ने अपने गुसाई जी से, जो उस जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे, ये बात बताई। गुसाई जी के आदेशानुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गुसाई जी के पास लाए। रानी की मुख कांति और शरीर शोभा देख गुसाई जी जान गए कि ये अवश्य ही कोई विधि की गति की मारी कुलीन स्त्री है। पुजारी ने रानी से कहा कि पुत्री, मैं तुमको अपनी पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में ही रहो, मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं दूंगा। गुसाई जी के वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ, वो आश्रम में रहने लगी। रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भरकर लाती उसमें भी कीड़े पड़ जाते। रानी की ये दशा देख गुसाई जी बहुत दुखी हुए और रानी से बोले, हे बेटी, तुम्हारे ऊपर कौन से देवता का कोप है जिससे तुम्हारी ऐसी दशा है। पुजारी की बात सुन रानी ने शिवजी महाराज के पूजन का बहिष्कार करने की बात बताई तो पुजारी जी शिवजी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी से बोले कि पुत्री, तुम सब मनोरथ पूर्ण करने वाले 16 सोमवार व्रत को करो, उसके प्रभाव से अपने कष्ट से मुक्त हो सकोगी। गुसाई जी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार व्रत किए। 17वें सोमवार को विधि विधान सहित पूजन किया। उस पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत समय व्यतीत हो गया, न जाने कहां कहां भटकती होगी, उसे ढूंढना चाहिए। ये सोच रानी को तलाश करने के लिए राजा ने चारों दिशाओं में दूत भेजे। वे दूत रानी को ढूंढते हुए पुजारी के आश्रम में पहुंचे। वहां रानी को पाकर पुजारी से रानी को अपने साथ ले जाने का आग्रह करने लगे, परंतु पुजारी ने मना कर दिया। दूत चुपचाप लौट आए और महाराज को रानी का पता बतलाया। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी से कहा, महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वो मेरी पत्नी है। शिवजी के कोप से मैंने इसको त्याग दिया था, अब इस पर से शिवजी का प्रकोप शांत हो गया है, इसलिए मैं इसे लेने आया हूं। आप इसको मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। भक्तो, गुसाई जी ने राजा के वचन को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की अनुमति दे दी। गुसाई की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के साथ महल में आई। नगरवासियों ने नगर द्वार तथा नगर को तोरण एवं बंधनवारों से विविध विधि से सजाया। घर घर में मंगल गान होने लगे। पंडितों ने विविध वेद मंत्रों का उच्चारण कर अपनी राजरानी का स्वागत किया। ऐसी अवस्था में रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने ब्राह्मणों को अनेक तरह से दान आदि देकर संतुष्ट किया। याचकों को धन धान्य दिया। नगरी में स्थान स्थान पर सदा व्रत खुलवाए, जहां भूखों को भोजन मिलता था। इस प्रकार से राजा शिव जी की कृपा का पात्र हो राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह के सुखों का भोग करता 16 सोमवार का व्रत करने लगा। विधिवत शिव पूजन करते हुए
इस लोक में अनेक सुखों को भोगने के पश्चात दोनों शिवपुरी को पधारे। भक्तों, जो मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा भक्ति सहित 16 सोमवार का व्रत एवं पूजन इत्यादि विधिवत करता है, वो इस लोक में समस्त सुखों को भोगकर अंत में शिवपुरी को प्राप्त होता है। ये व्रत सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला है।